हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू चैनल। आई एम एस एन गेवर। आज हम कौन एस एम पी खेलने जा रहे हैं और इस एस एम पी को खेलने से ज़्यादा हमें आज यहाँ पे बर्बादी है। इस एस एम पी में चार मेंबर्स हैं एंड शायद पांच हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पांच मेंबर्स हैं एंड इन पांचों में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्लेयर को हम मार के उसका सारा सामान ले रखा है जो अभी मेरे हाथ में दिख रहा है। हमारे साथ है हमारी एस एम पी का एक दूसरा प्लेयर जो कि हमारी एस एम पी में रिच का तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ इंसान है, एक्सप्लोरर टाइप समझ लो। तो अब इसके साथ मिलके हम लोग इस एस एम पी को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और अगर और हम ही दोनों क्यों, क्योंकि इस एस एम पी में हम दोनों का कोई नहीं, इसलिए हम मिलकर दूसरों के घर को फोन लगा रहे हैं। दूसरे टी एन टी में से कुछ टी एन टी में इसको दे दूंगा, वैसे तो ये फोड़ पाएगा कि नहीं पता, लेकिन हम लोग मिलके फोन लगा रहे हैं और शुरू करने वाले हैं हम इसी घर से जिस घर के अंदर हम खड़े हैं। ये है श्री का घर। वो शायद आपको उस वो श्री कौन है इसके लिए आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इससे पूछने जा रहा हूँ कि श्री का घर उड़ा दें एंड ये तैयारी होगा, ठीक है। ये सब मैंने किया है, ये किस बारे में बात कर रहा है? ओके, तो यहाँ पे चेस्ट लगी हुई थी, वो चेस्ट किसी ने तोड़ी है, तो हम इससे कंफर्मेशन लेते हैं। इसकी इसको हम 32 TNT दे देते हैं, इतने शायद इसके लिए काफ़ी होंगे। बाकी अब चलते हैं प्लांट करने। बिना बताए फोड़ दिया इसने यार, मुझे फोड़ना था। अब मुझे दोबारा से TNT प्लान करने पड़ेंगे, ऐसे एक TNT बचा है। TNT प्लांट हो गए और आप हम इसको फोड़ेंगे, और मेरे हिसाब से सारे TNT नहीं फोड़ेंगे, कुछ बच जाएंगे। ओ या मजा है, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब हम ये देखो यहाँ पे वाले बचेगा, तो मैं ये इसे निशाना लगा के फोड़ देता हूँ, बट मज़ा आया नहीं, इसमें भी उतना मज़ा नहीं आया, बट चलो जितनी सेटिस्फेक्शन है उतनी काफ़ी है। अब बारी है सेकंड चीज़ फोड़ने की, और वो क्या होगा वो होगा वीट फार्म। नाउ गाइस, अब टाइम आ चुका है जब हम TNT को फोड़ने जा रहे हैं, और ये जल्दी फूट, ये फूट और फूट और फूट। ओह माय गॉड, दिस इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग। अब हमें यहाँ से नीचे उतरना चाहिए, और देखो अच्छी जगह, थोड़ी सी अच्छी जगह होनी चाहिए, और वो बंदे अच्छी जगह उतरते हैं। मुझे एक जगह मिल चुकी है और आप देखना चाहोगे एंड नाउ अब हमें टीजर हॉल को फोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमें मुझे बेस्ट लगेगा। तो विलेजर हॉल छोटा सा है तो कम TNT में काम चल जाएगा, लेकिन वो स्टोन ब्रिक का बना हुआ है, डीप स्लेट ब्रिक का बना हुआ है, तो थोड़ी सी TNT ज़्यादा लगेंगे। नाउ अब हम यहाँ से अपने तीर से इसको जलाएंगे, और फिर हमें नीचे जाके MLG करनी पड़ेगी, और शायद हमें पे थोड़ा सा ब्लास्ट आ जाएगा, थोड़ा सा ही आया ज़्यादा नहीं। और ये नेक्स्ट लेवल होता है, इस साइड थोड़े से बच गए, बट भाई मस्त मज़ा आ गया, यहाँ से भी बचा हुआ है, बट उधर से पूरा काम तमाम। गाइस, जब मैं वहाँ पे विलेजर हॉल तोड़ रहा था, तब वहीं पे नारुतो ने TNT से हमारा XP फार्म तोड़ दिया, और अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है तोड़ने के लिए। मैं ऊपर जाके देखता हूँ, बट अब हम सोचने वाले हैं कि अब कुछ नहीं करना, नारुतो को काम करना है।
उससे ज़्यादा आप क्या ही करेंगे। गाइस ये देखो यहाँ पे मेरा सर रखा हुआ है यार, मेरा सर .imsngamerhead। वैसे हेड मिलता कैसे जावा में मुझे नहीं पता, को मुझे तो इधर मिला था, शायद नारुतो के पास होगा। नारुतो को थोड़ा सा नीचे बुलाते हैं पीवीपी करने के लिए, एंड उसका हम वेट करने वाले हैं थोड़ी देर। जैसे ही वो नीचे आएगा हम उसको मारना स्टार्ट कर देंगे। मेक श्योर करेंगे कि ये पहला अटैक हमारा हो। एक मिनट, अरे ये तो मारने लग गया यार हाथी। अच्छा हाँ, इसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था इसको, इसलिए इसको पता चल गया कि मैं पीवीपी के लिए बुला रहा हूँ। एंड अभी मुझे थोड़ा सा स्पैम्स को रोकना चाहिए और वैल्यूएबल किट्स मारने शुरू करने चाहिए। पानी लगा रहा है क्योंकि जल रहा है। एंड नाउ इसको मारेंगे, इसने ट्राइडेंट ले लिया है ये, इसको पानी से थोड़ा सा दूर रखना होगा, ताकि इसको हम आराम से सत्यानाश करने वाले हैं। ये कहाँ जा रहा है? नहीं शिट यार, मैंने मारा था, पता नहीं लगा नहीं रिलोडिंग की वजह से। फॉरेस्ट फ्रूट खा के देखो, मैं ऊपर टेलीपोर्ट हो जाएगा। ये कह रहा है एक्स से मार, अच्छा एक्स से पीपी करने को बोल रहा है। मेरे पास एक्स है ही नहीं, इससे हो सकता है इसके पास हो। तो भाग रहा है यार, अच्छा लिख रहा है भाई, मतलब एक्स से, मतलब एक्स से। अब इसके लिए मैं एक्स कहाँ से लेके आऊँ यार, इससे पीपी करने के लिए। हाँ तो ऐसे ही, हाँ डायरेक्ट लिखते हैं तो ऐसे ही, और ये शुरू कर देते हैं। तो लैग कर गया यार पूरा माइनक्राफ्ट। एंड नाउ अब इसको बताएंगे, देखेंगे पानी पानी ओन नहीं, पानी से इसको दूर रखना है। इसके पास ट्राइडेंट है, ऐसा ट्राइडेंट मेरे पास भी था, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। और ये भाग रहा है, इसको पकड़ के मारेंगे, पकड़ के। ये ओ नहीं नहीं ना, नहीं 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 हमारे सामने ट्राइडेंट यूज़ करने चला है। अरे अरे अब तो गया ये मारने की जगह भाग रहा है। देखो जब खत्म, देखो एक रूल हमेशा याद रखना, जब तक तुम लड़ोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। अगर पीवीपी कर रहे हो और तुम भाग रहे हो ना तो जीत ही नहीं सकते, मरोगे ही मरोगे। एंड नाउ गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। SMP ख़त्म। और अगर आपको भी अपनी SMP ख़त्म करवानी है तो नीचे IP एड्रेस और पोर्ट दे देना, हम आपकी SMP भी ऐसे ही आके ख़त्म करेंगे।